हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट के बारे में, जो आपके गार्डन में सालों साल फ्लावरिंग करता है। और ये एक पेरेनियल प्लांट है जो आप एक बार अपने गार्डन में ऐड करेंगे और ये हमेशा आपके गार्डन में फ्लावरिंग अच्छे से करता रहेगा। और ये ऐसा प्लांट है जिसमें इतनी अधिक ब्लूमिंग होती है कि आप खुद जब भी लगाएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि जितने भी पेड़ आप लगाते हैं फ्लावर के, इसमें जितनी ब्लूमिंग होती है उतनी किसी भी फ्लावर प्लांट में नहीं होती है। और ये साल में मतलब 12 महीने फ्लावर देता रहता है, भले इसकी फ्लावरिंग कुछ महीनों में एक ही दो फूल आए या कुछ, लेकिन फ्लावरिंग इसकी रुकती नहीं है। तो इस प्लांट का नाम है मिर्ची गुड़हल या चिली हिबिस्कस या स्लीपिंग हिबिस्कस। स्लीपिंग हिबिस्कस या मिर्ची गुड़हल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दूर से देखने पे बिल्कुल ही ऐसे लगता है रेड चिली टाइप का लटक रहा है, लेकिन ये और ये अध खिले फूल टाइप लगते हैं, इसीलिए शायद इसको स्लीपिंग हिबिस्कस भी कहते हैं। ये हिबिस्कस की ही एक वैरायटी है। और ये पौधा इतना अच्छा पौधा होता है कि आप इसको ये इजी बहुत इजीली ग्रो भी हो जाता है। आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगाइए और आप रेनी सीज़न में अगर इसकी कटिंग लगाते तो 100% उसके सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं। और ये प्लांट देखिए, मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है और ये अभी एक साल का प्लांट है। मैं इसको प्रून करती रहती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती हूँ। और इसमें देखिए एक एक ब्रांच पे देखिए इसकी आप फ्लावरिंग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी हैवी ब्लूमिंग होती है। और इसमें मिली बग्स का भी अटैक होता रहता है, तो आप उसके लिए कोई भी कीटनाशक आप डाल सकते हैं या तो आप घरेलू भी कई चीज़ें हैं जैसे शैम्पू घोल के एक शैशे घोल कर उसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी मिली बग्स हट जाते हैं। तो बात करें इस प्लांट की प्राइस की, तो ये प्लांट आपको नर्सरी में बहुत ही इजीली मिल जाता है और ये प्लांट आपको 50 रुपीज़ के अंदर ही अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको ये प्लांट नर्सरी में नहीं मिलता है या कहीं लगा हुआ मिलता है तो आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और इसकी सेमी हार्डवुड कटिंग लेकर आप उसको नोड एरिया से लेकर मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ से उसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी और ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। दूसरा मेथड है इसको ग्रो करने का, आप चाहें तो इसकी कटिंग एयर लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही ईजिली तैयार हो जाता है। और आप इसकी एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो अब मैं बात कर लूँ, इसमें हैवी ब्लूमिंग तो होती है, और अधिक ब्लूमिंग पाने के लिए आप इसमें क्या ट्रिक और लगा सकते हैं जिससे आपको और अच्छी ब्लूमिंग प्राप्त हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि इसका ये मिट्टी है, और हाँ इसमें बहुत ज़्यादा आप ओवर वाचिंग बिल्कुल मत करिएगा वरना इसकी जड़ें गल जाएंगी। और मिट्टी इसकी आप भुरभुरी टाइप की बनाइए, वेल ड्रेन सॉइल जिसमें पानी खड़ा ना हो। और वही है आप 40% आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट या आपके पास काउडंग कंपोस्ट जो भी हो, 20% रेत, और आपके पास अगर कोकोपीट है तो वो मिला सकते हैं, और बाकी आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल हो वो मिला के आप इसकी मिट्टी तैयार करें और ये पौधा उसमें लगा दें। तो अगर आपको इसमें ज़्यादा ब्लूमिंग प्राप्त करनी है तो आप इसकी 2 इंच की मिट्टी निकाल लीजिए, और जब इसकी 2 इंच की मिट्टी निकालेंगे आप तो जब ये गमला थोड़ा खाली हो जाएगा तो आप उसमें आपके पास जो भी अवेलेबल कंपोस्ट हो उसको आप डाल दीजिए और ऊपर से फिर मिट्टी डाल दीजिए, और वो धीरे धीरे इसको मतलब जो भी इसके पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है मिलती रहेगी। या तो आप ओनियन और बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसमें दे सकते हैं, उससे भी कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो इसमें नहीं किसी में भी, मैं हमेशा बताती हूँ कि उससे ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैं अपने प्लांट्स में मोस्टली वही लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ क्योंकि ये इसमें कुछ लगना भी नहीं। आप किचन में ओनियन यूज़ करते हैं तो आप उसके पील्स को फेंक ही देते होंगे, तो आप वो पील्स को रख के
पानी में डाल दीजिए और उसमें कोई भी कुछ भी नहीं करना, बस एक हफ्ते रखे रहने दीजिए और उसी पानी में उसके दुगना मात्रा का पानी मिला के आप उसको देते रहिए। ऐसे ही बनाना का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हो। और इसका आपको बनाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, उसका एक वीडियो मैंने बनाया था जो कि अपलोड है। तो आप ये प्लांट लाइए और इसकी प्रूनिंग आपको बता दूँ आप कब करें। आप इसकी प्रूनिंग करने का बेस्ट टाइम होता है फरवरी एंड में, फरवरी एंड में तक ये इसकी फ्लावरिंग हल्की सी कम होने लग जाती है। आप चाहें तो तभी इसकी प्रूनिंग कर दें और उसके बाद में इसमें फर्टिलाइज़र आप अक्टूबर नवंबर में जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली हो तभी देते हैं। और आप महीने में लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आप 15 दिन में या एक हफ्ते में देते रहेंगे तो ये अच्छे से ब्लूमिंग करता रहेगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें।